भारत में बढ़ती मंदी और घटती जीडीपी के कारण भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब भाजपा के मंत्री ही भाजपा के कामकाजों को लेकर उनसे सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत 10% की विकास दर हासिल कर सकता है। गुरुवार 5 सितंबर 2019 को ट्वीट कर उन्होंने विकास दर को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एक्शन ले तो ऐसा आसानी से किया जा सकता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर लगातार 5वीं तिमाही में कम होकर 5% रह गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खुद ही माना है कि सरकार चाहे तो आसानी से इस मंदी को लुढ़कती जीडीपी पर काबू पा सकती है। भाजपा में ज्ञान की कमी है, उनको नहीं पता कि इस मंदी को कैसे निकाला जाए। भाजपा जानबूझकर भारत की जीडीपी को लुढ़कता देख रही है और कोई सख्त एक्शन या नीति नहीं बना पा रही है। देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था के हालातों पर सरकार को लगातार घेर रहे स्वामी ने घटती जीडीपी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया, भारत की मौजूदा जीडीपी को बदलकर सालाना 10% से ज्यादा किया जा सकता है। अगर सरकार रिफॉर्म पैकेज में रियायत दे तो ऐसा बिल्कुल संभव है। वित्त मंत्रालय के हर महीने के सिगुफे से दिक्कत और बढ़ती जा रही है, अब एक्शन का वक्त है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब स्वामी ने सरकार की आलोचना की हो। इससे पहले शनिवार को उन्होंने नई आर्थिक नीति के लिए साहस और ज्ञान की कमी के लिए भाजपा सरकार की खिंचाई की थी। स्वामी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को जल्द ही नई आर्थिक नीति के लिए दोनों साहस और ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि भाजपा सरकार के पास नहीं है। भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई जीएसटी से भारत की जीडीपी पर असर पड़ा है। जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं और 5 से 10 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, वे भी आज के समय संघर्ष कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बंद करने की कगार पर खड़े हैं। एक के बाद एक करके उन्हें किराए, बिजली, पानी, वेतन और फिर जीएसटी सबकी मार उन पर पड़ती जा रही है। वहीं एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी सरकार पर धीमी अर्थव्यवस्था को लेकर बुधवार को भाजपा पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि मोदी सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। शिवसेना के मुताबिक अगर मोदी सरकार ऐसा करेगी तो वह राष्ट्र हित में होगा। हाल ही में मनमोहन सिंह ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में लिए गए फैसलों को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया था। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालातों ने देश को लंबे समय की मंदी की तरफ धकेल दिया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।